अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। बहुत पहले यानी कि मुगल बादशाह अकबर के जमाने की बात है। एक गांव में एक मुसलमान और एक जाट आमने सामने रहते थे। दोनों का भरा पूरा परिवार था। मुसलमान और जाट में जैसे अवसर होता है 36 का आंकड़ा रहता था। सुबह सुबह जाट अपने घर के आगे चबूतरे पर बैठकर भजन करता था, तो उसी समय मुसलमान अपने चबूतरे पर बैठकर जोर जोर से कहता था कि खुदा की खुदाई, खुदा ही जाने। ये कुछ गलत भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों जाट इस बात से चिढ़ जाता था। मुसलमान ये बात जानता था, तो वो जाट को चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता था कि खुदा की खुदाई, खुदा ही जाने। रोज रोज यही बात सुनते सुनते एक दिन जाट को गुस्सा आया और जाट मुसलमान से बोला कि तेरे खुदा की खुदाई मैं जानूं। बस मुसलमान तो इसी ताड़ में था ही, तो वो बोला कि तू नहीं जानता खुदा की खुदाई। पर जाट भी कम नहीं था, वो बोला कि मैं जानता हूँ। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वो दूसरे के हल बैल सहित सभी पशु ले लेगा। एक दिन दोनों गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर अपना फैसला कराने के लिए इलाके के काजी के पास गए। काजी ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर काजी ने जाट से कहा कि खुदा की खुदाई को तुम कैसे जानते हो। तो जाट ने कहा कि हुजूर मेरे साथ चलिए। जाट काजी और सभी लोगों को लेकर एक झील के किनारे आया और काजी से बोला कि हुजूर ये झील खुदा ने नहीं खुदाई है, तो क्या इस मियाँ के अब्बा ने खुदाई है। अब काजी भी पाशोपेश में पड़ गया। काजी ने काफी सोच विचार कर अपना फैसला जाट के पक्ष में सुना दिया और मुसलमान को हल बैल सहित अपने सभी पशु चौधरी को सौंपने का हुक्म भी दे दिया। अब क्या था, चोट खाया मुसलमान जाट से बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। मियाँ ने बहुत सोच समझकर अपने चबूतरे से बोलना शुरू किया कि मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ और जाट गुस्से में आकर बोल गया कि तेरे मन की मैं भी जानूं। बस मियाँ को तो इसी बात का इंतजार था। मियाँ ने सोचा कि आज ये फंसा, अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूँगा। मियाँ बोला कि लगाएगा शर्त, तो जाट थोड़ा सोचकर बोला कि हाँ चल लगा ले, तेरे मन की मैं भी जानूं। बस फिर क्या था, शर्त एक बार फिर लग गई कि जो जीतेगा वह अपने सारे खेत और घर दूसरे को दे देगा। शर्त लगाकर मियाँ भीतर ही भीतर बहुत खुश था कि अब की बार जाट को मजा चखा दूंगा। मियाँ बोला कि फैसले के लिए चलो काजी के पास, पर जाट ने कहा कि यह फैसला काजी के यहाँ नहीं, ये तो बादशाह अकबर के दरबार में ही होगा। नियत समय पर कुछ गांव के लोगों के साथ दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों बादशाह अकबर बहुत उदास रहते थे, क्योंकि इतने इलाज धर्म कर्म और दुआ के बाद भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। बादशाह अकबर अनमने से होकर ही दरबार में आते थे। खैर यह मुकदमा भी बादशाह के सामने रखा गया, तो बादशाह ने जाट से कहा कि अगर तुम जानते हो तो बताओ मियाँ के मन की बात। तब जाट अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला कि हुजूर मियाँ के मन की दिन रात एक ही बात रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर में खुदा एक चांद सा बेटा दे दे, जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़े और सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। बादशाह ने मियाँ की तरफ देखकर पूछा कि अब तुम बताओ अपने मन की बात, मियाँ को काटो तो खून नहीं। मियाँ ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे मन में ये बात नहीं है तो बादशाह अभी क्रोध में मेरा सिर कलम करवा देगा, जान है तो जहान है। ऐसा विचार कर मियाँ ने कहा कि हुजूर यही है मेरे भी मन की बात, ये जाट मेरे मन की बात सचमुच जानता है। मियाँ ने बादशाह के हुक्म के अनुसार अपने सारे खेत और घर चौधरी के हवाले किया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया। अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा।